2021 में बहुत सारे परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया और यह सभी नई परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य 2022 में काफी तेज गति से किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 में प्रस्तावित किया गया है और इसको मंजूर भी किया जा चुका है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। इसका वास्तविक लंबाई इसके DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले से शुरू होकर बिहार राज्य के गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी टाउन में जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना का अधिकांश भाग बिहार राज्य से होकर गुजरता है, जिसके कारण नॉर्थ बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हो पाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः 2022 में गोरखपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके बाद गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात सिलीगुड़ी से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, वर्तमान में सिलीगुड़ी से दिल्ली तक यात्रा के दौरान लगभग 25 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 16 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अतः गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के कारण नॉर्थ ईस्ट की भी रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।